आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे। सुकमा से मिल रही है जहां अज्ञात बीमारी से लोगों की मौत का सिलसिला जारी है। मरूकी गांव में 2 हफ्तों में 8 ग्रामीणों की मौत से दहशत फैली हुई है। दहशत इसीलिए क्योंकि 2 हफ्तों में 8 ग्रामीणों की मौत हुई, लेकिन पिछले 2 सालों के आंकड़ों पर यदि नजर डालें तो रेगड़गट्टा में 61 लोगों की मौत अज्ञात बीमारी से हुई है। कोरापाड़ में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद प्रशासन की नींद खुली, कलेक्टर ने आदेश दिए और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है मरूकी गांव, जहां कैंप लगाकर ग्रामीणों की जांच की जा रही है। तो अज्ञात बीमारी कहर बरपा रही है, अज्ञात अंधे की बीमारी जिससे ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर है। 2 हफ्तों में 8 ग्रामीणों की मौत हो गई। जानकारी लेंगे, सीधे रुख करते हैं हमारे साथ गौरव शुक्ला फोन लाइन माफ करिएगा लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। गौरव, अज्ञात बीमारी जो ग्रामीणों में दहशत फैला रही है, दहशत इसीलिए क्योंकि 2 हफ्तों में 8 ग्रामीणों की मौत हुई और इसके साथ ही पिछले 2 सालों में 61 लोगों की मौत हो चुकी है इस बीमारी के चलते। जी बिल्कुल, देखिए यदि हम बात करें तो सुकमा जिले के साथ साथ जो बस्तर का अंदरूनी इलाका है वहां पर अज्ञात बीमारी के चलते लोगों की मौत हो रही है। जो कल खबर निकल कर सामने आई है जिसमें पिछले सप्ताह भर में 8 लोगों की मौत अज्ञात बीमारी से हुई है। सुकमा जिले के मकोपा जो गांव है वहां पर ये मामला जो है वो निकल कर सामने आया। इसके पहले भी जो है लगातार मौतों का आंकड़ा जो है वो सामने आ रहा था। विपक्ष भी लगातार इन मामलों को लेकर सरकार को घेरते नजर आई थी। 54 मौतों की बात विपक्ष ने कही थी कि जिसकी जानकारी सरकार को भी नहीं थी। जो अंदरूनी इलाके हैं बस्तर के वहां पर लगातार मौतों की का सिलसिला जो था वो जारी था और आनन फानन में जो जिम्मेदार है लगातार विपक्ष के आरोप के बाद आनन फानन में केंद्र वहां तक कैंप लगाया, वहां पहुंचे और जो अज्ञात बीमारी है उसके बारे में जानकारी ली और उनके द्वारा पुष्टि भी की गई कि कुछ मौत जो है वो अज्ञात बीमारी के कारण हुई थी और अभी उसकी जांच चल रही है। और जब एक बार फिर से सुकमा जिले के मकोपा में जो ये सामने आया है 8 मौतों का मामला, तो एक बार फिर से जो जिला प्रशासन है और स्वास्थ्य महकमा है उसमें हड़कंप मचा हुआ है और आनंद फानन में एक बार फिर वहां पर कैंप लगाया जा रहा है और कैंप लगा के वहां जांच की जा रही है कि आखिर मौतों का कारण क्या है और किस तरीके से जो वहां के आदिवासी हैं जिन्हें इस तरीके की बीमारी हो रही है उसे किस तरीके से रोका जाए और उनकी सुरक्षा की जाए, इस पर भी जो है कवायदें जारी है। जी गौरव, एक जानकारी और संक्षेप में दीजिएगा कि स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी से किसी जिम्मेदार से आपकी बात हो सकी है, क्योंकि ये बीमारी जिस तरह से कहर बरपा रही है जाहिर है ग्रामीणों में दहशत होना लाजमी है। ऐसे में क्या सिम्टम है, क्यों आखिर इन ग्रामीणों की मौत हो रही है, क्या कारण इसका माना जा रहा है, कहां तक पहुंचा है स्वास्थ्य विभाग अभी? जी देखिए, अभी यदि हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो केवल जांच ही जारी है। जांच जिस तरीके से हर बार जांच की बात स्वास्थ्य अमला करता आता है ठीक उसी तरीके से अभी भी जो है वो जांच की बात का स्वास्थ्य अमला कर रहा है। हालांकि छुट्टी होने के चलते आज किसी भी अधिकारी ने हमारा फोन उठाया नहीं है और बात भी नहीं हो पाई है, लेकिन जो कुछ दिनों पहले जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा आया था और हमने स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों से बात की थी तो उनका कहना था कि ये मौसम जनित बीमारी है और लगातार जो मौसम बदल रहे हैं उसके चलते इस तरीके के जो मौत हो रही है आदिवासियों की वो एक कारण हो सकता है। हालांकि जांच अभी भी की जा रही है किस तरीके से इस पूरे मामले को रोका जाए। लगातार जो मौत के आंकड़े हैं, आपने ही अभी बताया कि 2 साल में बड़ी संख्या में सुकमा क्षेत्र और जो आसपास के क्षेत्र है वहां पर लोगों की मौत हुई। बीमारी अज्ञात है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग में तो हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा दहशत ग्रामीणों में इस वक्त बनी हुई है गौरव, क्योंकि इन्हीं के बीच में रहने वाले लोग, इन्हीं के अपने जो लगातार मौत के मुंह में जा रहे हैं और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अभी फिलहाल जांच की ही बात कर रहा है। बने रहिएगा, आगे भी आपसे बात करेंगे।